आपने मुझे बुलाया सर। आइए आइए, हमारी ऑफिस के मुकद्दर को चमकाने वाले आइए। अरे आप बैठिए ना, जब देखो मुझे देखकर खड़े क्यों हो जाते हैं? अबे खड़े हो जाने के बच्चे, मैंने इतना गुस्सा आवे लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा। अच्छा जब मिल जाएगा तो बुला लीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। अबे फिर के बच्चे, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं। आप अपने आप को मिल से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। कौन है ये बदतमीज लड़का? बुड्ढे, जब दो बड़े आदमी बात करते तो बीच में टांग नहीं डालते। क्या बोल रहा है? आप बुरा मत मानिए, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रही हूँ बस। कारण क्या? अबे रख लीजिए। कारण क्या है? कारण, अरे कारण एक हो तो मैं तेरे को बताऊं, यहाँ तो कारणों का ढेर लगा हुआ है। 2 महीना हुआ तुझे ऑफिस में, 20 दिन की छुट्टी ले ली, 20 दिन बिना बोले नहीं आया, और जो भी ऑफिस में काम किया तूने ढंग का नहीं किया, करेगा कैसे? आता होगा तो करेगा ना। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तूने मेरी ऑफिस के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड? यस फ्रॉड। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां, मार्कशीट जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसीना आया था ना, वो सब नकली है, जाली है। जाओ तुम अकाउंटेंट के पास जाओ, तुम्हारी बाकी के पैसे ले लो और इधर से चले जाओ। आइंदा कभी भी इस ऑफिस में कदम रखने की कोशिश की तो मैं थारी टांगे तुड़वा दूंगा। ए कटोरी मल। कटोरी मल नहीं, मारो नाम करोड़ी मल है। हाँ जो भी है, मल है या नल है, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें मालूम है तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो? वो राजा जो आने वाले कल का रईस ज्यादा बनने वाला है। रईस ज्यादा? तू और रईस? अरे 2 दिन में कटोरी लेके रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आया तो मेरा नाम करोड़ी मल नहीं। हाँ तो ठीक है, अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिस आदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है उसके सामने तुम्हारी औकात धिकारी हो वाली है। अल्लाह के नाम पे दे 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 दे। देखा, यही है। बरकुरदार एक बात तो बताओ, इस शहर का ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है जो तुम जैसे निकम्मे, नाकारा, बेहुदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है? ओहो, अरे बेवकूफो बेवकूफो, वो इतना बड़ा रईस आदमी है कि उसके नौकर भी तुम लोग से ज्यादा रईस होंगे। Shut up and get out from here। चिल्ला मत, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो तुम्हारे सड़े हुए ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर जाएगा। और वैसे भी ऐसे घटिया ऑफिस में खड़े रहना हमारे जूतों की आन बान और शान के खिलाफ है। ए मिस्टर आन, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे होने वाले ससुर इस शहर के कौन से इलाके में रहते हैं? अमीरों का पता पूछना भिखारियों की पुरानी आदत है, इसे छोड़ दो। और तुम सुनो, अपने सड़े हुए ऑफिस के पेपर तैयार रखना, बहुत जल्द तुम्हारे इस कबाड़ खाने को राजा जी खरीदने आ रहे हैं। वो है हमारे सेठ सर, ये बैंक अकाउंट और ये चेक हमने भेज दिया है। सेठ जी, ये मेरा दामाद है। उस दिन ये शादी में तो बहुत दुबला था, ये अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? नहीं 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 सेठ जी, मैं तो राजा का मामा हूँ, इनका दामाद तो मेरे पीछे खड़ा है। आजा बाण जी। मामा सामने से हटेगा तो आऊंगा ना, वजन भारी है, टाइम लगेगा, जल्दी करना। अच्छा ले फिर। नमस्ते जी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं सेठ जी, मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है, आपने मुझे कहीं नहीं देखा। तुम जाओ। ओके सर। नहीं नहीं, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। सेठ जी आपने उसे शादी में देखा होगा। अरे शादी में तो ये शेरे में था, मैंने इसकी शक्ल देखी नहीं, मैंने कहीं और से देखा है। सेठ जी, छोटे मोटे लोगों को आपने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके पास इसलिए आया था कि आजकल हमारे दामाद बेकार है, बस छोटे मोटे नौकरी पे लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी, सेठ जी, वो किसने का भाई है ना, बीमार हो गया है, इसलिए काम छोड़कर नेपाल चला गया है। बस सेठ जी उसी की जगह पर लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो करता क्या था? झाड़ू पोछा। भाणजे तूने आज है ना अपने मामे का दिल तोड़ा है, तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी और पैसा कमाने का सपना देखा और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है, पर मैं भी है ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा। ठीक हो रहा बाबा? ये ले बालिके, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, जाओ। पापा जी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदन में गुदगुदी कर दूंगा। पैर छोड़, बोल तुझे क्या दुख है? दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भाणजा है, नाम उसका है राजा, मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी, जबकि मैं है ना उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा डैशिंग हूँ। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी है ना एकदम सलमान खान की तरह है। जानम समझा करो, जानम समझा करो, बाबा जी समझा करो।
और ऐसा कुछ कर दो कि मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए, ताकि मैं ना दुनिया के किसी भांजे पे डिपेंडेंट ना रह सकूं। अरे इस बाबा की ताकत को तू जानता नहीं, अगर मैं चाहूं तो हवाओं का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनाख कर दूं। जानता है ये क्या है? ये चाकू है। चाकू के नीचे क्या है? चाकू के नीचे केके है। केके नहीं, केक है। केक? हाँ केक है। केक कोई मामूली केक नहीं, बाबा का केक है। असर किए बिना वापस नहीं आता। ये ले बालक, ये केक तू जिसको खिलाएगा वो तेरे प्यार में दीवानी होकर ऐसे भागेगी जैसे मजनू के पीछे लैला, रोमियो के पीछे जूलियट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन? समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं। सेक्रेटरी, यस, वो 20 लाख का जो चेक है ना, वो खन्ना एंड खन्ना कंपनी को भिजवा देना। 20 लाख? हेलो, अमेरिका से। एक मिनट मैडम, आपका अमेरिका से फोन। अमेरिका से? हेलो, लक्ष्मी स्पीकिंग। अच्छा, वो आपकी कंपनी में हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है $3 लाख का, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। ओके। ओ देवी जी नमस्कार। घबराओ नहीं, मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ। केक? हाँ, आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है जी। ओ जी, खा लो ना जी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक तो मेरे भाणजी ने मेरा दिल तोड़ा है, और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया ना, तो मैं तो पूरा ही टूट जाऊंगा जी, और टूटता हुआ मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा जी। ओके ओके जी। लूसी माय लिटिल गर्ल, आज इनका बर्थडे है ना, चलो केक खा लो। लूसी ने अगर केक खा लिया तो शादीलाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादीलाल भाग भाग। अरे मेरी माँ, अरे बस कर, बचपन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन कुतिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चढ़ा दिया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रही है तू? अरे चली जा। मेरे पापा जी, अरे मेरे को बचा लो। अरे भाग भाग के मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। इस शहर की कोई गली कोई सड़क नहीं बची जहाँ पर इसने मुझे ना भगाया हो। समझ गया बालक, लगता है वो तुमसे ज्यादा प्यार करने लगी है। प्यार है? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है तुमसे वाइल्ड प्यार किया है। कौन है वो तुम्हें भगाने वाली? लूसी। लूसी? एक किसी जानवर का नाम लगता है। हाँ, चार पैरों वाली जानवर, वो देखो ऐसी खड़ी है जैसे मेरे साथ है ना, सात पैरे लेकर ही मानेगी। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ओ बाबा जी, सब कुछ रॉन्ग हो गया। केक खिलाना था एल फोर लक्ष्मी को, और खा लिया एल फोर लूसी ने। लूसी, तुम्हारी जिंदगी की कड़वाहट में समझ गया, ये कड़वाहट दूर करने के लिए ये लीजिए मीठा केक। अब ये कौन सा केक है? ये नफरत केक है, ये जिसको खिलाएगा वो तुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है, ये केक तो मैं लूसी को खिला के ही रहूंगा। लूसी ये खा ले, मैं कहता हूँ खा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, खा ले। अरे, खा ले। ये क्या कर रहे हैं आप? ओ जी, मैं केक खिला रहा हूँ। आप मिस्टर? हाँ वही, मैं केक वाला मिस्टर, उस दिन वाला। आज फिर से केक? हाँ जी, क्या है जी, आज है ना मेरे टॉमी का बर्थडे है, तो जब तक मैं टॉमी के एक दो रिश्तेदारों को ये केक नहीं खिलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा, दिल टूट जाएगा उसका। ओह, आई एम वेरी सॉरी, उस दिन आपका केक नहीं खाया मैंने, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आज मैं आपका केक जरूर खाऊंगी। आप खाओ मत। मुझे आप क्यों खा रही हो, आप क्यों खा रही हो मेरा केक? अरे अरे ये तो नफरत वाला केक है। You come in here?